नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, यदि आप 8 से 10 भैंस के लिए पक्का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, इस चैनल पर अभी मैं कच्चा, मीडियम और बिल्कुल पक्का इस तरह की वीडियो लेकर आने का मेरा इरादा है। तो ये देखिए 3 दरवाजे और इनमें मच्छरों से बचाव के लिए ऑलरेडी नेट लगाया हुआ है, जाली लगाई हुई है। तो इसके अंदर अभी हम चलेंगे। ये हरियाणा राज्य के जींद ज़िले में मलिक साहब का डेयरी फार्म है और इसके अंदर मैं आपको बाहर बांधने की दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन इस गेट के अंदर की लंबाई चौड़ाई और काफ के बैठने के लिए जो जगह है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा कि आप इस मॉडल पर यदि बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये पहले गेट से हमने एंट्री की और उसके बाद ये इनकी खुरली का साइज़, ये कड़े दो तरह के इन्होंने लगाए हुए थे। ये पूरी चीज़ें, इसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई है और ये कितने पशु के लिए सफिशियंट है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मलिक साहब राम राम। राम राम जी। पहले तो सारे भाई हैं जो वीडियो देखे उन राम राम, उनको राम राम। तो मलिक साहब, ये आपका जो मॉडल है, जो ये आपने बीच में पाइप लगाई, ये पूरा मैं जानना चाहूंगा, आप एक बार उधर से उस कोने से, इसका ये है जी, यहाँ से इस दीवार से, उस दीवार के जो अंदर का डिस्टेंस है ना, अंदर का दीवार से अलग, वो 16.5 फुट है। ये था जो ये तसला यहाँ रखा हुआ इस कोने से लेकर, आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए इसकी मैं चौड़ाई आपको मलिक साहब के द्वारा पूछना चाहूंगा। ये देखिए वहां तक जहाँ ये खड़े हैं, इसके अंदर की चौड़ाई कितनी सर? ये यहाँ दीवार से 16.5 फुट है। 16.5 फुट अंदर है। अंदर है और उसके अंदर ये 1.5 फुट की खुरली बनी हुई है। खोर कह दिया अपने देसी भाषा में। देसी भाषा में इसको खोर बोलते हैं। ये खोर खुरली जो बोलते हैं, इसकी कितनी चौड़ाई बताई आपने? 1.5 फुट इस दीवार से और यहाँ तक ये 1.5 फुट के अंदर है। और मलिक साहब, ये पाइप जो आपने लगाया है, ये एक भैंस दूसरे की बांट चाट ना खाए और लड़े नहीं, उसके लिए शायद आपने कुछ तो उसके लिए और कुछ मेरा अलग था। अच्छा, जो ये पाइप है इससे पशु इसके अंदर ही रहता है। ये 4.5 फुट का गैप है एक पशु के लिए 4.5 फीट है। कितना ही ज्यादा भार है, पशु आराम से बैठ जाता है। ये जो गैप है इस दीवार से लेकर और इस पाइप तक, ये 4.5 फीट के गैप के ऊपर लगाया है। और ये जो ये लंबाई होगी, ये कितनी होगी मलिक साहब? ये यहाँ से और वहां तक जो दीवार में आपने फिक्स किया है इस प्रकार, ये 6 फीट तो इसकी लंबाई है पाइप की, पूरी पाइप की 6 फीट इस पाइप की लंबाई है। ये देखिए दीवार में इस तरह कील के माध्यम से ये अपने फासनर आते हैं जो उनसे ये इसको वो किया है, उससे इसको लगाया है। और बीच में ये स्पोर्ट लगाई है, स्पोर्ट और ये एक लास्ट में स्पोर्ट है। ये 3.5 फुट की इसकी ऊंचाई है, 3.5 फीट इसकी ऊंचाई है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। तो ये 3.5 फीट ऊंचाई, 6 फीट लंबाई और ये 4.5 फुट इनका डिस्टेंस है। 4.5 फुट के डिस्टेंस पर ये इस प्रकार इन्होंने लगाया। तो मलिक साहब कितने पाइप है ये अपना 35 फुट का पूरा लंबाई है इसकी। अच्छा, इसकी अभी आपको दिखाऊं, ये जो पाइप लगाए हैं, चौड़ाई की हमने बात कर ली थी, इस कोने से लेकर और लास्ट तक यदि आप जाएंगे तो मलिक साहब ने बताया कि इसकी लंबाई 36 फीट है। 35-36 फीट के लगभग है जी, 36 फीट के लगभग इसकी लंबाई है। और ये जो बैठने के बाद जो पेशाब के लिए नाली है, खुरली है, ये कितने गैप पर होगी मलिक साहब? वहां से लेकर उस खुरली से लेकर और यहाँ तक, ये यहाँ जी 8 फीट पे, 8 फीट पे ये पेशाब के लिए नाली और उसके बाद ये और काफ के लिए बैठने, ये 6 फीट ये काफ के लिए, जिसमें काफ की खुरली भी आ गई है और जगह भी आ गई है। 6 फीट में ये काफ की खुरली भी आ गई और ये नाली तक जगह भी आ गई। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आप इस मॉडल पर बनाना चाहते हैं, और अभी चलते हैं लास्ट में, ये सूखा चारा जिसको बोलते हैं हम, टूड़ी भूसा, वो रखने के लिए जगह भी इन्होंने इसके, और ये साथ में इन्होंने सूखा चारा रखने के लिए टूड़ी भूसा जिसको बोलते हैं, इसी के साथ है इसको बनाया। तो मलिक साहब, ये इसका साइज है जी
18 फीट की तो ये लंबाई है इसकी, 18 फीट तो इसकी लंबाई है, और 16 फीट इसकी चौड़ाई भी होगी, वो साढ़े सोलह फीट इसकी चौड़ाई है। उसके बाद ये जीना लगाकर ऊपर जगह बनाई हुई है। हाँ, इसका मेन मकसद हमने इसलिए बनाया, जैसे बरसात में कई बार लगातार बरसात होती रहती है, दूसरी जगह उचारे का तो उसमें दिक्कत होती है, इसके साथ ही इसलिए हमने अटैच कर दिया इसके इसका। साथ इसको अटैच किया कि बारिश कितनी भी गिरती रहो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये तीन दरवाजे इसके अंदर थे, और ये आपने देखा होगा ये इनका सूखा चारा रखने का, और हमने बात की थी हरा चारा ये डालते नहीं है, तो मशीन गंडासा वगैरह आपको दिखाऊंगा से। और ये पाइप तो मैंने स्पेशली मेरे ध्यान में आया था इसलिए लगाए थे, जैसे मैं दूध निकालता इस भैंस का, ये भैंस आके इधर मेरे ऊपर आ जाती। ठीक। तो मेरे मन में आया भाई अपना पशु अपनी सीमा में रही, अपनी सीमा में रहे, दूध निकालते वक्त परेशान ना करे। तो एक तो ये गोबर पेशाब करते हैं, ये पीछे करते हैं। अच्छा, इन पाइपों से। उसमें दिक्कत नहीं होती, फिर पशु पैर से गोबर पेशाब को काटते नहीं, काटेगा नहीं, और फिर आराम से पशु बैठता है। जैसे अगर उसको जगह होगी तो कभी उधर बात जगह, कभी उसके नीचे, कभी उसके नीचे, वो इससे नहीं होता, इससे नहीं होता। और एक पूछड़ ठंड वगैरह कटने की कोई भी 0% संभावना होती है, किसी का पूछ नहीं कटेगा, पूछ नहीं कटेगा। हाँ जी, तो मलिक साहब अब बात रहेगी इसकी छत की हाइट की, तो दोस्तों हम अलग अलग मॉडल आपको दिखाते हैं, तो ये मॉडल भी कम्प्लीट आपको दिखाने का उद्देश्य है। ये देखिए इन्होंने लेंटर डालकर 1, 2, 3, 4, 5 पंखे लगाए। मलिक साहब इसकी हाइट कितनी छत की? इसकी हाइट 12.5 फीट है पूरी, 12.5 फीट की हाइट पर ये छत है। तो दोस्तों इस प्रकार हाइट तो जितनी ऊंची हाइट होगी उतनी ही कम गर्मी होगी, कम सर्दी लगेगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी आप अपनी जगह के हिसाब से रख सकते हैं, और भी ज्यादा हाइट करना चाहे तो कर सकते हैं, नो डाउट है। तो दोस्तों इस प्रकार ये मलिक जी का एक अपना मॉडल है आपने देखा। यदि ये सेट डिजाइन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे आने वाले समय में मैं आपको और भी ऐसे ही डिजाइन दिखाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल के बटन को भी दबा लें। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।